अच्छा यार मेरी सैलरी भी आ चुकी है, ये चेक करें, ये अकाउंट कट रहा है तो फिर से यार इसको लेके जा रहा हूँ। हेलो जी मेरी साइड भी ये गाड़ी आ चुकी है, मेरे उबाड़ों के हालात है, ये चेक करें। फाइनली गाइस मैं अकेला जा रहा था तो सोचा यार स्कूल के लड़के जा रहे थे ये पैदल, तो मैंने सोचा यार इनको भी मैं लेके चलता हूँ साथ, क्योंकि वैसे भी मैं अकेला जा रहा था वो भी खाली। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। आपको ट्रैक्टर सीखना है? यस। पहले कभी चला है? भाई ये बच्चा मेरा फैन है, अभी मेरे पास आया है और इसको सीखना है ट्रैक्टर, फिर मेरे ट्रैक्टर पे वो बच्चा बैठ गया है। आप लोगों ने विलेज में मुझे देखा था, वहाँ पे हम शिकार पे गए थे और शिकार से जैसे मैं वापसी आया और अपनी बाइक ये लेके आप लोग चेक करें, आए 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 भाई। सुबह सुबह इसको मैंने खुलवा लिया, इसकी यार टैंकी लीक हो गई थी और लीक होने की वजह से अभी इसको मैंने खुलवा लिया, जिस पे हम डीजल वगैरह लोड करते रहते हैं। और मैंने सोचा यार इसकी शाखें भी रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि यार बहुत ही जलील करते हैं, इतनी हार्ड यकीन करें पेट में दर्द हो जाता है। तो फिर से यार इसको लेके जा रहा हूँ। हेलो जी फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं, ये हॉस्पिटल है सरकारी गवर्नमेंट। आज मैं आप लोगों को अपने शहर का भी विजिट कराता हूं थोड़ा, ताकि जितना हो सके मैं उतना विजिट करवाऊंगा। ये हॉस्पिटल है, यहां पे भी मैंने स्टडी की थी, ये चेक करें भाई, आप लोग साथ साथ देखते जाएं। यहां पे भी मैंने अपनी स्टडी की थी, लेकिन अभी तो इंटर क्लियर हुआ, सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी जाएं, लेकिन अभी मूड नहीं बना, अभी तक कन्फर्म नहीं है, ठीक है। बाकी चल रहे हैं भाई जिंदगी में, बहुत जल्दी है और जल्दी होने की वजह से यार यहां पे इतनी भीड़, ज्यादातर मैं बाइक पे जाता रहता हूं, यहां से गुस्सा वहां से निकल जाती है, वहां से गुस्सा वहां से निकल जाती है। अभी मेरी साइड पे ये गाड़ी आ चुकी है, ये चेक करें, ये हालात मुल्क के, मेरे उबाड़ों के हालात है, ये चेक करें। फाइनली गाइस मैं अकेला जा रहा था तो मैंने सोचा यार स्कूल के लड़के जा रहे थे ये पैदल, तो मैंने सोचा यार इनको भी मैं लेके चलता हूँ साथ, क्योंकि वैसे भी मैं अकेला जा रहा था वो भी खाली। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। दरवाजा नहीं खुल रहा, इसको ऊपर करें। एक लड़के को उतारते हैं, अभी लड़का उतर गया, समझे मैं टैक्सी चला रहा हूँ। नहीं भाई टैक्सी नहीं चला रहा यार, ये दुआ करेंगे मुझे, वैसे भी पैदल जा रहे हैं, इतनी गर्मी है बाहर, मैंने सोचा यार वैसे भी मैं खाली जा रहा हूँ यार इनका फायदा हो जाएगा, मेरा क्या यार गाड़ी मेरे पास कार है, ठीक है, ये वैसे भी उतना पेट्रोल भी एक जितना पीती है। खोलो खोलो खोलो। तो यार एक लड़के मैंने वहाँ से उतारे और दूसरे मैंने उठाए, मैंने कहा यार ये भी पैदल जा रहे हैं इनको भी उठाते हैं, तो ये चेक करें भाई, अभी इनको मैंने यहाँ पे उतार दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो लड़के जा रहे हैं ना पैदल, ये सामने चेक करें भाई, इतनी गर्मी में जा रहे थे, मैंने सोचा वैसे भी मैं खाली जा रहा हूँ, बोलता हूँ तो क्या जाता है यार। फाइनली गाइस मैं गाड़ी लेके आया हूँ, 350 ट्रैक्टर क्यों रहे हो यार, मैं अभी गाड़ी लेके आया हूँ 385 ट्रैक्टर, अभी इसको वॉश करवाना है, वॉश करवाने के बाद इसको मैं लेके जाऊंगा अपने विलेज अपने घर, क्योंकि मैं अल्टो लेके आया था, अल्टो लेके आने के बाद सीधा मैं आ गया हूँ उबाड़े। मुझे जानते हैं आप, मेरा क्या नाम है, ब्लॉग्स वगैरह यार ये देखता रहता है। ये ट्रैक्टर था जिसको मैंने वॉश करवाना था और मैं लेके आया हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कौन सा ट्रैक्टर मेरे पास ये है। आपको ट्रैक्टर सीखना है? Yes. पहले कभी चला है? भाई ये बच्चा मेरा फैन है, अभी मेरे पास आया है और इसको सीखना है ट्रैक्टर, फिर मेरे ट्रैक्टर पे वो बच्चा बैठ गया है, अभी ये मुझे बोल रहा है मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, अभी इसको मैं गियर सिखा रहा हूँ। और ये चेक करें अभी गाड़ी, भाई बिल्कुल ये पूरा ट्रैक्टर वॉश करना है। आप लोग सोचेंगे भाई डेली मैं मेहरान पे बैठता हूँ, मेहरान पे जाता हूँ, मेहरान पे आता हूँ, ठीक है भाई, रोजी रोटी करनी है तो करनी है ना। अच्छा यार मेरी सैलरी भी आ चुकी है, ये चेक करें, ये अकाउंट कट रहा है, अरे मजे भाई, यही तो मजे है, मैं अपने कमाई के खुद के पैसे कजन को मैंने दे दिए, अभी ये अकाउंट कट रहा है, ये मुझे बताएगा कितनी सैलरी है मुझे। और कैफे से चावल भी हम बैठे हैं, स्पेशली बड़ी मेहरबानी साहब आपकी, मीठा किस खुशी में खिला रहे हैं अभी आप? खुश हैं आप मेहमान हो, एक होती है ना खुशी, खुशी के हिसाब से लोग मीठा खिलाते हैं, की मंगनी हुई हो या शादी हुई हो, मेहमान के हिसाब से। अच्छा मेहमान नवाजी के हिसाब से, जी बिल्कुल भाई, अब लोग मीठा खाते हैं तो आ जाएं, नहीं तो भाई हम शुरू कर रहे हैं। मैं होटल पे आ चुका हूँ, यहाँ पे यार मुझे बहुत तेज भूख लगी, आप लोग पहले भी मैंने बताया था यार गाड़ी को सर्विस कराना है, सर्विस करवाने के बाद हमारी हो गई बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, इसे रोटी वगैरह खाते हैं और रोटी खाने के बाद सीधा चलते हैं अपने ट्रैक्टर को ड्राइव करना है, और ड्राइव करने के बाद भाई उसको घर भी लेके जाना है, और यहाँ देखते हैं हमें खानी है स्पेशल कढ़ाई जो होती है ना भाई मुर्गी वाली, वही खानी है मुझे। सर क्या क्या पकाए? नहीं बता रहा भाई, आ गई हमारे पास रोटी, आप लोग खाते हैं तो आए, रोटी खुल गई, अरे हाय 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 भाई आधा रोटी मैंने खाई है, बाकी सारी इसने खत्म की है, लेकिन अभी तक लगा पड़ा, ये बोलता है भाई ये सुन्नत पूरी करनी है। कैल्शियम की यार कमी हो चुकी थी, हमने सोचा यार ठंडा ठंडा यहाँ से दूध पीते हैं, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ आज का व्लॉग यहाँ पे मैं एड करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत सारे ख्याल रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।